आप देख रहे हो कि आज देश की स्थिति ये बन गई है कि राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आके यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जबकि उन्हें अपने राज्यों में काम करना चाहिए था। आज वो अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। आप देख रहे हो नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी बेलिमिट है। पेपर से चुनाव होगा वो सही होगा, मशीन से चुनाव होगा तो ये सही बोल रहे हैं। इनको पता है एरा फेरी, इनको सब पता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और आपको बता दें, जब से सदन में बजट पेश हुआ, अंतरिम बजट पेश हुआ, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले कर्नाटक से पूरी कैबिनेट आई, जहां जंतर मंतर पर आकर विरोध प्रदर्शन किए गए केंद्र सरकार के खिलाफ। और आज केरल की पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद है और केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके बजट के खिलाफ और साथ ही साथ संघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मोटिव है इस प्रदर्शन का, बताइए जरा। मैडम, आप देख रहे हो कि आज देश की स्थिति ये बन गई है कि राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आके यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जबकि उन्हें अपने राज्यों में काम करना चाहिए था। आज वो अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, अपनी पीड़ा सुनाने दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री, विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री। उनका बड़ा कीमती टाइम होता है। आज ये स्थिति भारत की आ गई, इस आरएसएस और बीजेपी ने कर दी कि आम जनता तो धरने प्रदर्शन करती ही थी, आज मुख्यमंत्रियों को बैठना पड़ रहा है धरने पर। तो समझ लो कि आज हमारा देश किस कगार पे पहुंच गया। क्या प्रॉब्लम है, प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई है? अरे भाई, आप देख रहे हो नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी बेलिमिट है, महंगाई आसमान छू रही है। जनता अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? नौजवान पढ़ लिख के भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो किसको रोएंगे? वो इस सरकार को ही तो रोएंगे। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी आरएसएस सुनने के लिए तैयार नहीं है, मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो जनता की क्या, मुख्यमंत्रियों की, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के इसलिए सुनने को तैयार नहीं क्योंकि वो विपक्ष के हैं। लेकिन प्रजातंत्र राज है, जमहूरियत है, हमारा संविधान बता रहा है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, आपको सबकी सुनना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के अगर भाषण देख ले संसद में, तो वो तो दूसरी सरकार को कोसने में सारा निकल गया। वो अपने महिमा मंडन कर रहे हैं और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इसराइल में नौकरियां दिलवा दी, जा रहे हैं युवा। आप देख रहे हो देश को पहली बार इतना नौटंकीबाज प्रधानमंत्री मिला है, पहली बार मिला है कि कह रहे हैं भारत नौटंकीबाज है, झूठ बोलने से फुर्सत ना है कि देश चमक रहा है, देश भूखमरी के कगार पे पहुंच गया, उन्हें झूठ से फुर्सत नहीं है। इतना नौटंकीबाज, इतना बतौलेबाज, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी देश को नहीं मिला। प्रधानमंत्री है वो, भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा तो रखनी। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा उन्हें खुद नहीं पता है। उनको खुद नहीं पता है प्रधानमंत्री की गरिमा। अगर प्रधानमंत्री की गरिमा अगर उन्हें पता होती तो आज तमाम जो विपक्ष के जो मुख्यमंत्री जो आज दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आज वो अपनी फरियाद रो रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, अगर उन्हें अपनी गरिमा पता होती तो शायद ये मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री आज जंतर मंतर में नहीं आते। वो काम गिना रहे हैं, विकास गिना रहे हैं, भारत का विकास किया है, अयोध्या में राम मंदिर दे दिया है। भैया, राम मंदिर दे दिया को उन्होंने दिया, वो तो कोर्ट का फैसला था, वो तो 2024 का फायदा उठाना चाह रहे हैं उससे। उन्होंने क्या दे दिया, राम क्या उन्होंने पैदा करे?
राम को सबने देखा नहीं, पोस्टर देखा नहीं, हाथ पकड़ के ला रहे थे है? राम को हाथ पकड़ के लाए थे मोदी। अब ही समझ ले आप, ज्ञानी ज्ञानी और अज्ञानी ही समझ ले, राम सबको लाए हैं, वो कह रहे हम राम को लाए हैं। अब ही समझ ले कि प्रधानमंत्री कितने सूझबूझ है। विकास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विकास किया है भारत। हाँ विकास हुआ है, आरएसएस का विकास, बीजेपी का विकास, टाटा बिरला डालमिया हिंदुस्तान मोदी रिलायंस का विकास, उनका विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ। आरएसएस क्या दिक्कत है, आरएसएस देशभक्त संगठन है। अरे देशभक्त है, गांधी जी को मार दिया, गांधी जी देश विरोधी थे क्या? गांधी जी क्या देश विरोधी थे? गांधी जी को मारने वाले यही लोग थे, ये कैसे देशभक्त है? गांधी विरोधी है मोदी जी। अरे इनके इनके जो चरित्र है, इनका जो चरित्र है, आप खुद समझ लें कि गांधी उसके नारे लगा रहे हैं, ये गोडसे के नारे लगा रहे हैं। फूल भी तो चढ़ाते हैं गांधी जी के उस पे जाके, और तमाम गांधी जी के नाम पर योजनाएं स्वच्छ भारत लाए हैं। भाई वही तो है, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, यही तो है इनका। मुंह में गांधी और बगल में गोडसे, मुंह में राम बगल में छुरी, कहने का मतलब वही हुआ। फिर गांधी जी को तो, गांधी जी को तो मसलो ही मानते हैं, ये असली मानते नाथूराम गौड़ को मानते हैं। हाँ और गांधी जी को तो मसलो ही मानते हैं, इनकी मजबूरी है। मोदी जी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि विकास किया है, जनता खुश है, और अब की बार 400 के पार के दावे भी कर रहे हैं। ये इन्होंने जो मशीन ईवीएम मशीन जो है, जो इन्होंने उसमें इन्होंने सब सेटिंग कर रखी है, ये उसके ऊपर कर रहे हैं। जनता तो देश में किसान भी लड़ रहा है, मजदूर भी लड़ रहा है, तमाम पूरे देश में पूरे देश की जनता लड़ रही है। ईवीएम कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता है, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता, अब गांव-गांव जाके जागरूक अभियान चलाया जा रहा है जन तो चुनाव आयोग क्यों नहीं मतलब जो है उसको बंद कर देना भाई, बैलेट पेपर से चुनाव कर दें, उसे बंद कर दें। बैलेट पेपर से ज्यादा धांधली होगी ना? अरे बिल्कुल नहीं होती है। आज पूरे दुनिया में उसी से हो रहा है, तो क्या पूरी दुनिया धांधलेबाजी कर रही है? जहाँ से ये ईवीएम चला है, जहाँ से चला है वहाँ भी बैलेट पेपर आ गया। तो जो दुनिया करेगी वही आप भी करेंगे? अरे भाई ये दुनिया से पीछे है, दुनिया से आगे है कहाँ? लोग जो है ना बहुत आगे निकल गई, दुनिया बहुत आगे निकल गई। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो वहाँ पे बैलेट पेपर से हुआ, देखिए ना किस तरह के धांधली। आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है उसमें। कितनी बड़ी हो गई ना बैलेट पेपर में। अरे तो कितनी बड़ी हेराफेरी उन्होंने कर ली, वो तो आप सब देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये तो अधिकारियों से वो काम ले रहे हैं, जो नाजायज काम ले रहे हैं इनसे। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से होगा तो बूथ लूटी जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव होगा वो सही होगा, मशीन से चुनाव होगा तो ये सही बोल रहे हैं, इनको पता है एड़ा फेरी, इनको सब पता है कि हम इसमें कितनी एड़ा फेरी कर लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं सब बकवास की बातें की जा रही है, जनता को भरमाया जा रहा है ईवीएम के नाम पर। और जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, इनसे ज्यादा समझदार है। जो इनकी समझदारी वहीं पर आ गई कि राम की उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे, जबकि राम लाए सबको, राम सबको लाए हैं, जो राम की उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे, जनता ही समझ गई। पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह, मोदी मतलब विकास की गारंटी। ये सब हवा हवाई है, सरकार का पैसा पोस्टरों में बर्बाद कर रहे हैं, जो जनता का पैसा, सरकार का पैसा, जनता का पैसा, वो सब पोस्टरों में बर्बाद। विकास की गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, कुछ भी गारंटी नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ, पूरे देश में विकास नहीं हुआ। तुम बता दो अगर आपका ही विकास हुआ हो, आपको बता दो आपका विकास हुआ, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार का, आपके गांव का। अनाज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहाँ पर लगा दिया, राशन 5 किलो अनाज पर लगा दिया। आज हमारा देश जो गरीब आदमी उसको स्थिति पर ला दिया कि आज 5 किलो अनाज वो लेने पर मजबूर हो गया, उसकी उसको इस स्थिति पर ला दिया। क्या लगता है विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ और ना ही विकास होगा। यहाँ पर सिर्फ नेता अपनी जेब भरेंगे, घोटालेबाज लोगों की सरकार है, विपक्ष वालों को बोलने नहीं दिया जाता, जो बोलता है उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता है। सरकारें तोड़ी जा रही हैं, विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ईवीएम से जीतने का इनको पता है, 400 सीटों के अंदर इन्होंने ईवीएम का प्रोग्रामिंग सेट कर दिया है। चुनाव जीतने की गारंटी इसलिए लेते हैं,
बिना चुनाव हुए कौन गारंटी लेगा कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, किस बेस पे सीटें जीत रहे हैं, देश के लिए किया क्या है? बांग्लादेश की करेंसी इंडिया से ऊपर चली गई है, अफगानिस्तान की करेंसी इंडिया से ऊपर चली गई है, इंडिया के अंदर ना कोई विकास हुआ है और ना होने की संभावना है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। संसद में कह रहे हैं विकास हुआ है, संसद में मोदी के एमपी सामने वाले सांसदों को गालियां देते हैं, उनको मारने की धमकियां देते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी अगर इतने अच्छे काम करने वाले हैं, मोदी जी की गारंटियों में इतना दम है, तो गवर्नमेंट को घर घर जा करके ईवीएम की वोटें क्यों दिखानी पड़ रही हैं, ईवीएम की मशीनें चेक क्यों करानी पड़ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद झूठ फैला दिया है ना कि ईवीएम हैक होता है, इसलिए जो बताना जरूरी है जनता को। जब लोगों का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को काम मिलता है, तो लोग सरकार का अपोच नहीं करते। सरकार के खिलाफ लोग तब बोलते हैं जब लोगों का शोषण होता है। ये शोषण वाली सरकार है, ये मजदूर का शोषण करती है, किसान का शोषण करती है, ये औरतों का शोषण करती है। यहाँ पर औरत की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या लगता है विकास नहीं हुआ है? मोदी जी जैसे राशन दे रहे हैं, 5 किलो का राशन दे रहे हैं, उसमें सब्जी अनाज तरकारी कुछ भी नहीं चाहिए, तेल नमक पानी कुछ भी नहीं चाहिए। हमने सुखा ऐसे जगह में रह रही हूँ, कुछ भी सुविधा नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं महिलाएं खुश है, आप तो बुराई कर रही हैं। हाँ बुराई नहीं कर रही हो, मैंने कह रही सब्जी 5 किलो राशन दे रहा है, उसमें शाक सब्जी तेल नमक कुछ भी नहीं चाहिए, और भी चाहिए तो और नहीं चाहिए। हम तो कमावे नहीं पाते, बुढ़ापा है। महंगाई कम हुआ है कि बढ़ा है? महंगाई बहुत ऊंचाई चढ़ गया। निर्मला सीतारमन कह रही है कि नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गया। मोदी जी कह रहे महंगाई नहीं, मैं अभी तक नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मोदी जी क्या 900 रुपया हो गया, 900 रुपए का सिलेंडर अभी कहाँ से कमाऊंगा? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? कह रहे महंगाई नहीं बढ़ा है। महंगाई तो बढ़ रही थी, महंगाई जब ना बढ़ी थी, पहले 600 रुपए का सिलेंडर तो 350 रुपए का, अब आ रहा 900 रुपए का। हाँ सीढ़ी में पैसे नहीं आ रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। महंगाई इतनी, रोजगार कुछ है नहीं, बताओ कहाँ से लाएं, कहाँ से बच्चे पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं, कहाँ से क्या करें? हाँ आदमी बहुत अंगे मारे गए, एक रुपया नहीं दिया किसी ने, बताओ कैसे करें? मजदूरी बहुत नहीं मिलती, वो भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं पिंचिल बंद हो गया, 6 महीना हो गया, पेंशन बंद हो गया। किस चीज का पेंशन? विधवा करना है, पेंशन नहीं मिल रही है। मेरे कोई पिंचिल नहीं मिले, कोई कमाने वाला नहीं है। मुझे पहले मिलता था, पहले मिलता था 500 रुपए का, अब नहीं मिल रहा है। कब से बंद हो गया? 3 महीने, 7 महीना हो गया, 7 महीना हो गया बंद। आपने पूछा नहीं क्यों नहीं देते? जाती हूँ नगर वाली भगा देते, ये करो वो करो, अगले महीने मिलेगा, पता नहीं। कहाँ से आई? मैं नरोनी से आई हूँ, गाजियाबाद नरोनी, उत्तर प्रदेश। तो आपका पेंशन बंद कर दिया गया? आता ही नहीं, 3 महीने में बैठे, चौथे महीने में डालते हैं 3000 रुपए, उसमें क्या होता है बताओ? क्या होएगा? 4-5 बच्चे हैं, उसमें क्या होएगा? ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं और राम राज्य की सच्चाई बता रही हैं कि इन्हें पेंशन मिलता था, वो भी पेंशन बंद कर दिया गया है। और वो तमाम सवाल पूछे जो यूपी में 3000 है तो हुआ 25 से कर दे यूपी में। हाँ करें कि नहीं करें? काट लेते हैं। कहाँ हो रहा है 1000 रुपए महीना दे रहे? और दिल्ली में तो कहाँ हो 3000 रुपए महीना है, तो बताओ गलत बात है कि नहीं है? बताओ तुम ही बताओ क्या कर रहे हैं फिर? जा भाई तुम हमको, चलो यूपी दिल्ली में 3000 है तो वहाँ 25 से कर दो। सही बात है, हक की लड़ो लड़ाई बेटा, हक ही लड़ना चाहिए। तो लगातार ये बता रही है किस तरीके से मोदी सरकार की जो वादे किए गए हैं उसकी सच्चाई जो है महिलाएं बता रही हैं और यहाँ पर मौजूद लोग बता रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।